अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ आम की खट्टी मीठी चटनी की रेसिपी शेयर करने लगे हैं। सबसे पहले हम ये हमने बर्तन लिया, इसमें हम एक कप पानी डालेंगे और साथ ही इसमें दो कप चीनी डाल देंगे। इसका हम शीरा रेडी कर लेंगे। ये हमने 1.5 किलो आम लिए थे, इसको हमने बॉईल कर लिया था 5 मिनट। ये हमारा शीरा रेडी हो गया है। अब यहाँ आम हम इसमें डाल देंगे। ये 1.5 किलो आम लिए थे, इसको लंबे लंबे स्लाइस में काट लिया था। आप देख लें कि मैंने इसको 5 मिनट के लिए पानी में बॉईल कर दिया था। अब ये हमारा शीरे में पकना शुरू हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा फूड कलर जर्दा रंग डालेंगे ताकि इसकी खूबसूरती आ जाए। कुछ भी बनाएं उसकी खूबसूरती आजमी होनी चाहिए, वो देखने में भी चीज़ अच्छी लगे। वीडियो को स्किप ना किया करें, पूरी वीडियो देखा करें ताकि आपको एक एक चीज़ का पता चले और मैं जो उसमें भी डालूँगी उस एक एक चीज़ का भी आपको पता चले। 10 मिनट के लिए हम इसकी पकाई करेंगे ताकि हमारा जो शीरा है थोड़ा सा इसमें खुश्क हो जाए। साथ से 8 मिनट हो गए पकते हुए। ये मैंने 6 छोटी इलायची के दाने निकाल लिए हैं, 1/4 चम्मच काली मिर्च है, 1/4 चम्मच नमक है, ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और जिसे मिक्सिंग कर चटनी के अंदर इन चीज़ों को मिक्सिंग कर लें। मसाले डालकर इसके भी हम पकाई करेंगे क्योंकि इसमें भी शीरा ज़्यादा है। इसमें शीरा ज़्यादा है। अभी हमारी चटनी भी रेडी नहीं हुई इसलिए अब हम मिनटी इसकी 5 मिनट फ्राई करेंगे। हमारी चटनी रेडी होने वाली हो गई है, हमारे आम बिल्कुल गल गए हैं। अब हम इसमें ये मैंने 15 से 20 बादाम लिए थे जिसको मैंने भिगो कर छिलका उतार लिया और लंबे स्लाइस में काट लिए, इसके अंदर जाएंगे। एक चाय का चम्मच चारे मगज है, ये इसके अंदर जाएंगे जिसको मैंने धो लिया है। चटनी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ख़ास तौर पर ये बच्चे बहुत पसंद करते हैं, बहुत मज़े की होती है। ये इतनी मज़े की चटनी होती है, आप टोस्ट के साथ भी खा सकते हैं, बेसन वाली रोटियों के साथ खा सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, तब आप मेरी वीडियो देखा करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला करें।